तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं अपने थंबनेल के ऊपर, जो थंबनेल में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं जिसके कारण दोस्तों उनका जो वीडियो का जो रीच है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, उनका क्लिक थ्रो रेट जो है दोस्तों वो डाउन होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा क्लिक थ्रो रेट बहुत डाउन जाने लगता है, इंप्रेशन बहुत ज़्यादा जाता है उनका लेकिन उनका जो क्लिक थ्रो रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों होता है? कुछ मिस्टेक लोग कर देते हैं जिसके कारण उनका थंबनेल है वो बर्बाद हो जाता है दोस्तों, और उनका वीडियो और चैनल पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में लोग बात वाले हैं। आज छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे सबसे पहले बात आती है कि हम जो थंबनेल बनाते हैं उसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ और, मतलब दोस्तों थंबनेल में अगर हम लोग बात करते हैं सोना के ऊपर तो वीडियो में चांदी है, कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसा थंबनेल बना देते हैं जो कि बिल्कुल ही अलग होता है, थंबनेल पे कुछ और वीडियो में कुछ और। तो मतलब कि आपको एकदम सिमिलर थंबनेल बनाना है जो आप वीडियो में बता रहे हो। आपको तो बस वही थंबनेल क्या चीज़ है, थंबनेल ये है कि आप वीडियो में जो बता रहे हो उसके बारे में आपको दिखाना है कि हाँ वीडियो में ये चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रहा तो आप वीडियो को देखें, है ना, तब ना आपके वीडियो पर पब्लिक क्लिक करती है। दोस्तों अगर आप ऐसा थंबनेल नहीं बनाते हो, अगर आप अलग अलग बनाते हो वीडियो में कुछ और थंबनेल कुछ और क्लिकबेट वाला, तो आप दोस्तों वहाँ पर थोड़ा फ्लॉप हो जाओगे आप, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम बाद पब्लिक आपके चीज़ों को समझने लगती है कि आप थंबनेल पे कुछ और वीडियो में कुछ और डालते हो तो आपका पब्लिक आपकी वीडियो को देखना बंद कर देगी। मतलब कि दोस्तों इस पे पब्लिक का भी बहुत बुरा असर जाता है, और दोस्तों आपका जो यूट्यूब होगा वो भी दोस्तों आपका वीडियो को रीच देना बंद कर देगा, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो आपकी पब्लिक देखेगी वीडियो में कुछ और है और थंबनेल में कुछ और था तो पहले तो वो छोड़ देगी बीच में, और दूसरा दोस्तों आपका जो वॉच टाइम है वो घटना शुरू हो जाएगा जिसके कारण जो एल्गोरिथम है वो आपके वीडियो को रीच देना कम कर देगा। और दोस्तों आपका अगर YouTube का एल्गोरिथम आपके वीडियो को पकड़ लेता है कि आप थंबनेल में कुछ और लगा रहे हो और वीडियो में कुछ और है, तो भी दोस्तों वहां पर आपका मिस्टेक हो चुका होगा, थंबनेल पे कारण आपका जो वीडियो का रीच होगा वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, YouTube आपके वीडियो को इंप्रेशन देना एकदम कम कर देगा, आपकी वीडियो को थप कर देगा बिल्कुल दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। दोस्तों दूसरी बात आती है कि थंबनेल में बहुत क्या करते हैं कि एकदम भर के लिख देते हैं, छोटा छोटा वर्ड में पूरा भर देते हैं थंबनेल को, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, अगर दूर से कोई देख लेगा तो पढ़ भी नहीं पाएगा कि थंबनेल में है क्या, वीडियो में है क्या, कुछ नहीं समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले बड़ी मिस्टेक ये भी एक होती है, दोस्तों आपको थंबनेल में अपने अच्छे से लिखना है, मतलब कि एक हेडलाइन में आपको एक वर्ड जो भी है, एक जो टॉपिक है आपका वीडियो का, उसको एक अच्छे से हेडलाइन में लिखना है, उसके बाद आप थोड़ा सा भर सकते हो, मतलब कि पूरा भरना नहीं है, उसको एकदम सजा करके लिखना है आपको, एकदम भरने का कोशिश नहीं करना है कि एकदम पूरा थंबनेल को भर देंगे तो सब कोई देखने आ जाएगा, नहीं, आपको एकदम अच्छे से सफाई से एकदम बढ़िया से बनाना है थंबनेल ताकि आपके वीडियो पर लोग क्लिक करें। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें दोस्तों बताएंगे कि आप किस टाइप के थंबनेल को बनाओ, आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसका आपका जो वीडियो है वो अच्छा खासा रीच गेन करेगा। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।